भाजपा के प्रदेश मामलों के केंद्रीय सह प्रभारी संजय टंडन ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संजय टंडन ने शिमला में कहा कि सरकार के इस फैसले से उसका असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को अलोकतंत्रित करार देते हुए इस योजना को कानून बनाकर शुरू किया था और इसे मात्र कैबिनेट की बैठक में रद्द नहीं किया जा सकता। संजय टंडन ने कहा कि इस योजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोकतंत्र प्रहरियों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना मात्र एक परिवार के दिशा निर्देशों पर बंद हुई है, क्योंकि इसी परिवार ने देश में आपातकाल घोषित किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोंट दिया था। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह चुनावों में जनता को दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने में सफल होती है या नहीं। अनिल शर्मा ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार इन योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में फैसले नहीं ले रही है और भाजपा विधानसभा के भीतर तथा बाहर सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करेगी। जब सरकार बदलती है वो अपने आप सरकार बनाने का प्रयास करती है और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जितने शिक्षण को यहाँ पर प्रदेश के अंदर खोले गए थे एक अप्रैल के बाद जो इंस्टीट्यूशन को बंद करना जनमानस तक पहुंचाए